हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। देखिए, बेसिकली यहाँ पे हम नवोदय विद्यालय की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम बहुत सारी वीडियो सिलेबस पे बना चुके हैं, जिसको देख के आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और आप लोग के जितने भी कमेंट हैं आ रहे हैं उस पर ट्रस्ट दिखाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे कमेंट आए थे सर कि कॉमन सिलेबस पे एक वीडियो बनाई कि NVS में जो जनरल हिंदी लैंग्वेज ग्रुप है और जनरल इंग्लिश के पेपर और टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका सिलेबस क्या है, और जो हमारा लैंग्वेज ग्रुप सेलेक्ट करना है उसका क्या सिलेबस है। तो यही मैंने इसमें TGT और PGT पूरा कवर करने की कोशिश की। अंत तक वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, कौन कौन से लेसन्स, और जनरल हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल इंग्लिश में। मैंने जो वीडियो बनाया बेसिकली आप लोग को कमेंट में ही बनाया। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वो भविष्य में भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो निसंकोच इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी अपडेट लाऊं तो आपको मिल सके। ठीक, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो पूरे सिलेबस को कवर करेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जैसे कोई भी पद हो जिसे उस पर हम बात करेंगे। ठीक, देखिए, जैसे कि अगर सिलेबस की बात करें तो पहला सिलेबस आता है कि TGT या PGT में जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के सिलेबस हैं वो कैसे पूछेंगे। मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूं, जैसे TGT में आपको 10 क्वेश्चन हिंदी से मिल जाएंगे और PGT में 15 क्वेश्चन हिंदी से मिल जाएंगे। और जब इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में भी TGT में 10 और PGT में 15 क्वेश्चन इंग्लिश के मिल जाएंगे। तो ये जो सिलेबस स्पेशली नवोदय विद्यालय ने स्पेसिफाई कहीं किया नहीं है, ठीक, तो इसको लेकर मैं पिछले 3-4 साल के जो भी पेपर हुए हैं 2016 में 2014 में, उन पेपरों से देख के कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक, तो उन टॉपिकों वाइज मैंने इस सिलेबस को निर्धारित किया, वहाँ से क्वेश्चन छाटे, उसके आधार पर मैं सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक, और आप लोग हमारी अगली जो वीडियो है क्वेश्चन पेपर पे आएगी, आप लोग क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। निश्चिंत रहें, जल्द से जल्द अपने बिजी शेड्यूल में समय निकाल के मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, देखिए, जैसा कि अगर हम TGT की बात करें, TGT में हिंदी में बेसिकली हिंदी में आपको गद्यांश यानी पैसेज रहेंगे, पैसेज रहेंगे, आधे क्वेश्चन पैसेज के रहेंगे, अगर 10 है तो 5 क्वेश्चन इससे रहेंगे। अगर वाक्य शुद्धि की बात करें तो वाक्य शुद्धि में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिंदी में, ये भी 5 क्वेश्चन रहेंगे TGT में, यानी दो ही पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गद्यांश और वाक्य शुद्धि। ठीक, तो आप लोग इस चीज को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कॉमन सिलेबस सभी के लिए है, चाहे वह हम TGT की बात करें या चाहे PGT की बात करें, तो यही क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं जनरल हिंदी में। ठीक, तो एक क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे कमेंटों को लिख क्लियर। अगर कोई डाउट है तो अभी हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि सर क्या इसमें क्या है, जो भी आपकी क्वेरीज होगी कमेंट बॉक्स में छोड़िए। ठीक, अब आगे देखते हैं, अगर आगे बात करें इंग्लिश वाले सिलेबस में, तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच सेंस कोई वाक्य दे दिया जाएगा आपको और उसमें पूछा जाएगा कि यह नाउन है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन मैंने देखा है कि दोनों एग्जामों में TGT में और PGT में पूछा गया है। ठीक, तो आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरा, दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में कॉमन ईयर क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं कि एक वाक्य लिख दिया जा रहा है और उस वाक्य में क्या गलती है वहाँ को आपको स्पेसिफाई करना है। और तीसरे में पैसेज, पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पैसेज काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो पैसेज आपको तैयार करने, दो एक से दो पैसेज आपको देखने को मिल सकते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन में। अब देखिए, अगला फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, जो प्रीपोजिशन बेस्ड रहेंगे। ठीक, फिल इन द ब्लैंक प्रीपोजिशन आपको भरने रहेंगे और इसको आपको तैयार करना, यानी प्रीपोजिशन वाले सेक्शन को अच्छे से, क्योंकि यहाँ से फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो ये हुआ तो हमारा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का सिलेबस, कुछ इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप लोग अपने बेस पर तैयार करिए और जो भी क्वेश्चन है मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। अब आइए देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है किसी को नहीं पता है, क्योंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर डिस्कस अगर करें TGT में तो इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और PGT में इस टॉपिक से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग की सफलता में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक, तो आप लोग देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करें अगर, तो आप लोग को
चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक इतने क्वेश्चन हर चैप्टर से तैयार करने हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इतने क्वेश्चन आप लोग को तैयार करने ही हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। ठीक, तो देखिए अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करें तो आप लोग को चार पांच टॉपिक स्पेसिफिक हो जाती है। एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट का विकास है, उसका एप्टीट्यूड है, उसकी अभिरुचि है जो है कैसे है, इसके विकास पर क्या है, इस पर आपसे 8 से 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक, अगर नहीं होगा तो हमारे चैनल पर इसकी एक सीरीज चलाई जाएगी, इसमें आपको एमसीक्यू के फॉर्म में सारी चीज़ बताया दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं और इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। ठीक, अब दूसरे में देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो विद्यार्थी केंद्रित और उसके विकास के लिए एजुकेशन है उसको आपको तैयार करने पड़ेगा। टॉपिक 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करिए आप लोग। डेवलपमेंट टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक, जो अध्यापकों के शिक्षा है उसके विकास की क्या गति है इंडिया में, इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला जो है एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्कूल एंड न्यू फाइंडिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें से 8 क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। अब अगला टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड मेथड थ्योरी, और जितने भी टीचिंग पढ़ाने के मेथड हैं, थ्योरीज हैं, आप लोग 7 से 8 क्वेश्चन, और कोई विद्वान अगर उस पर कोई बात कही है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अगले टॉपिक में देखें तो टीचिंग रिपोर्ट एंड टेस्ट, अच्छा रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाए, टेस्ट किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, इस पर 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। ठीक, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ए टीचर, एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ड्यूटी होती है समाज के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इस टाइप क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में आपको करा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इंक्लूसिव एडुकेशन 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा इसको। लर्निंग एंड पेडागोजी, सीखना में और पेडागोजी वाले में 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूवर्ड्स सोसाइटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी जो होती है टीचर की, इसकी भी आप लोग स्टडी करेंगे। टीचिंग एबिलिटी की बात करेंगे। ठीक, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू में कराए जाएंगे। ये तो बेसिकली सिलेबस रहा, आप इसको पूछ करके नोट जरूर कर लीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में आएं, अपने डाउट वहाँ पे बताएं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।